अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें कि मैं तुम सब का रसूल बनकर आया हूँ, मैं तुम सब का रसूल बनकर आया हूँ। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पीछे जितने भी नबी आए हैं सारे अपने अपने इलाके के या अपनी कौम के या अपनी बरादरी के या अपने मुल्क के नबी बन के आए हैं बस, लेकिन मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वो हूँ जिनको अल्लाह ताला ने कुल कायनात के लिए नबी बनाकर मबऊस फरमाया है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने नातिया शेरों में नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते हैं। ये देखिए ना, अल्लाह की शान है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कितनों का रब है? आलमीन का रब है। जितने भी जहान हैं अल्लाह सब का रब है। सरकार की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल, वो अल्लाह है रब्बुल आलमीन, हमारे आका हैं रहमतुल्लिल आलमीन, यानी जिस जिस का अल्लाह रब है उस उसके हमारे आका नबी भी हैं, उसके लिए रहमत भी हैं। तो वो फरमाते हैं कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, यानी जैसे सबका खुदा एक है बिल्कुल वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। हमारे आका की एक शान ये है कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बनाया, और फिर हमारे आका की ये भी शान है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुल कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। कितनों के लिए? कुल कायनात के लिए सरकार क्या है? नबी बन के आए हैं। इसलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जानवर भी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, जिन्नात भी हमारे नबी की बारगाह में हाजिरी देते थे, अरे ये परिंदे ये भी हमारे नबी की बारगाह में अपने केस लेकर आया करते थे, ये दरख्त ये पहाड़ ये पत्थर, कायनात की हर हर चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को जानती और पहचानती है, हर चीज जानती है कि सरकार क्या है, अल्लाह के नबी हैं। और हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं मक्का शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ था, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा और मक्का से बाहर तशरीफ ले आए। अब हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, तिर्मिजी शरीफ के अंदर यह मौजूद है, फरमाया कि रास्ते में जो भी पत्थर आता जो भी दरख्त आता था हमने यही सुना कि हर दरख्त और हर पत्थर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देकर पढ़ रहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हर दरख्त हर पत्थर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहा था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को पत्थर भी सलाम करते हैं, दरख्त भी
सलाम करते हैं। ये भी शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि एक ऊँट सरकार की बारगाह में आया दौड़ा दौड़ा, पीछे पीछे उसके मालिक भी आ गए। तो उस ऊँट ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कान में कुछ बातें की, कान में कुछ बातें की। जब उसके मालिक आ गए ना, तो उन्होंने कहा कि आका ये हमारा ऊँट है, हमारे हवाले करें। फरमाया नहीं, मैं नहीं हवाले करता। आका क्यों? फरमाया ये इसलिए कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है मुझसे। क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। आका ये क्या कहता है? कुर्बान जाएं, ऊंट हमसे बातें कर सकता है? बोलो नहीं। हम उससे बातें कर सकते हैं? नहीं। क्यों? ना ऊंट को हमारी बोली आएगी, ना हमें ऊंट की बोली आएगी। ये तो कुर्बान जाए हम आमिना के लाल पर, जिनको अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां भी सिखाई हैं, जानवरों की बोलियां भी अल्लाह ने अपने महबूब को सिखा दी हैं। ये सरकार की शान है। तो फरमाया ये तुम्हारी क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। आका क्या कहता है? फरमाया नंबर एक, इसने ये कहा है या रसूल अल्लाह, मैं छोटा सा था, ये मुझे लेके आए थे, मैं बड़ा हुआ, फिर मुझसे मेरे बच्चे भी पैदा हुए। या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे पल के जवान हो चुके हैं, और अब ये लोग मुझसे काम वही लेते हैं जवानी वाला, खुराक थोड़ी देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, खुराक थोड़ी देते हैं। और फिर आका मुझे पता चला कि ये लोग मुझे अब ज़िबा करके खाना भी चाहते हैं, ज़िबा करने का मनसूबा भी बना लिया। तो या रसूलल्लाह, मैंने अभी ज़िबा नहीं होना, मैं अभी और रहना चाहता हूँ। और आका इनसे आप फरमाएं कि मुझे खुराक पूरी दें, और उम्र क्योंकि ज्यादा हो चुकी है, काम ज्यादा नहीं कर सकता, काम थोड़ा ले, खुराक पूरी दें। आका इनसे आप कहें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे गारंटी देते हो कि आइंदा के बाद इस ऊंट से काम थोड़ा लोगे, खुराक पूरी दोगे, और अभी इसको फिलफौर ज़िबा नहीं करोगे, कुछ अरसा रखोगे? उन्होंने कहा जी आका, हम वादा करते हैं। फरमाया ठीक है, आप फिर अपने साथ ले जाओ। अब ये देखिए, ऊंट को अगर मसला हुआ, टेंशन हुई, तो अपनी शिकायत किसके पास लेके आया? बोलो सही आ रहे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आया ना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों का नबी नहीं बनाया, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बनाया, कुल कायनात की हर हर चीज के हमारे आका नबी बन के आए हैं, और सब के लिए हमारे आका रहमत भी बन कर आए हैं। मोहब्बत से कह लें भाई सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है। क्या है? हम जब तकरीर करते हैं तो सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, ताकि महफिल में बार बार अल्लाह का जिक्र होता रहे और अल्लाह की रहमत बरसती रहे। आपको पता है ये सुभान अल्लाह, ये कुरान का भी लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है। और जो बंदा कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनियां? और सुबहान अल्लाह के हर्फ हैं 9। अब जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, तो कितनी नेकियां मिलेंगी? बोलो 90 मिलेंगी, 90 नेकियां मिलेंगी जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा। और उसके हिस्से का एक बूटा भी जन्नत में लगा दिया जाता है, जो मरतबा एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है। जरा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तवज्जो है? तो ऊंट अपनी शिकायत लेकर किसके पास आए? नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जा रहे थे, सरकार ऐसे तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक शिकारी हरनी को पकड़ के बैठा हुआ था और बैठे बैठे सो गया। वहां से सरकार का गुजर हुआ तो हरनी ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, फरमाया क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो आका मैं थोड़ी सी मोहलत चाहती हूँ कि मैं जाऊँ
और जाकर अपने बच्चों को दूध पिला लूं, फिर यहां आ जाऊंगी। फरमाया अगर मैंने छोड़ दिया तुझे और तू ना आई। फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे छोड़ें और मैं ना आऊं तो मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी को आज़ाद कर दिया, वो चली गई अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। उधर से वो जो शिकारी था वो उठ गया, उसने देखा मेरी हिरनी कहाँ है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने छोड़ी है, अभी आ जाएगी। वो था कोई यहूदी, उसने कहा वाह जी वाह, छूटा हुआ शिकार जानवर भी कभी वापस आया, ये कैसी बात कर रहे हैं। फरमाया ना ना ऐसा ना कर, वो मुझसे वादा करके गई है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, सच बोलता हूं झूठ नहीं बोलता। फरमाया वो आ जाएगी, उसने कहा नहीं आएगी। फरमाया तू इंतजार तो कर, अभी आ जाएगी। बस थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ी देर तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो हिरनी आ रही है और उसके साथ उसके छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, और आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यहूदी देख आ गए ना तेरे पास, फरमाया ये ले तेरी चीज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। उसने कहा कुर्बान जाऊं जिसकी जानवर भी इताअत करें, जिससे किए हुए वादे जानवर भी वफा करें, तो मैं क्यों ना वफा करूं आपके साथ, मुझे भी आप कलमा पढ़ाएं और अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लें। तो वो यहूदी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये शान देखकर कलिमा पढ़कर क्या हो गया, बोलिए से क्या हो गया, मुसलमान हो गया। अब उसने कहा आका आपने इसको पहले छोड़ा था अपनी मर्जी से, आका मैं अब आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं इस हरनी को आप अपने हाथों से खुद आजाद फरमा दें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जा हरनी अपने बच्चों के साथ मुझे मार, आज के बाद तू आजाद हो गई है। तो किताबों में आया वो हरनी दोबारा अपने पांव पर खड़ी होगी और यूं हाथ जोड़कर कहती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आका आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें भी हों अल्लाह की बरकतें भी हों। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती हुई वो जंगल की तरफ वापस चली गई अपने बच्चों के साथ। तो अंदाजा कर लें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अच्छा ये जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ना तो बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से और साफ साफ अल्फाज में पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ दें तो फिर आल पर भी सलाम हो गया, दुरूद हो गया, ये भी ज़्यादा अच्छा है। बाद लोग पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, गलत करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो खैर हमारे आका की ये शान है कि सरकार कुल कायनात के नबी बन के आए हैं, इसलिए पत्थर भी आपको सलाम करते हैं, जिन्नात भी आपको सलाम करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जानवर भी अपनी शिकायतें लेकर हाजिरे खिदमत होते हैं। अच्छा किसी को शक ना पड़ जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बोली तो अरबी थी, कौन सी बोली थी हमारे आका की, बोलिए अरबी थी, और जानवरों की तो अपनी बोली होती है, ऊंट की अपनी बोली है, हिरनी की अपनी बोली है, हमें तो उनकी बोली का क्या पता, ना नाम भी नहीं आता भाई इनकी बोली क्या है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनकी बोली समझते थे, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है सवाल कायम हो। तो आइए मैं कुरान करीम पढ़कर इसका हल बता देता हूं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें भाई, सुनेंगे अल्लाह का कुरान, सुनिए फिर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिह, ऊंची आवाज से कह लो भाई सवाब मिलेगा, अभी तो बताया सवाब मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने जो रसूल जिस कौम की तरफ भेजा हमने उस रसूल को उस कौम की बोली भी सिखाई। वमा अरसलना मिर रसूल, हमने जो रसूल भेजा जिस कौम की तरफ बिली सान ही,
उस कौम की बोली भी उस नबी को सिखा कर भेजा। अब बताओ नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम पंजाबियों के नबी है कि नहीं? बोलो यार, मैं पंजाबी हूं, नबी पाक अलैहि सलाम मेरे नबी हैं कि नहीं? आप जो सरेकी हैं तो आपके भी नबी पाक अलैहि सलाम नबी हैं कि नहीं? ये जो पठान बैठे हैं हमारे दोस्त, नबी पाक अलैहि सलाम इनके भी नबी हैं कि नहीं? बोलो हैं। ये जो आसमानों में रहने वाली मखलूक है सरकार, उनके भी नबी हैं कि नहीं? जमीन के अंदर रहने वाली मखलूक के भी नबी हैं कि नहीं? दरख्तों के नबी हैं कि नहीं? पत्थरों के नबी हैं कि नहीं? फरिश्तों के नबी हैं कि नहीं? जानवरों के, परिंदों के, दरख्तों के, पहाड़ों के, पत्थरों के, कुल कायनात के नबी हैं हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सब के नबी हैं हमारे आका, तो रब का कुरान कहते हैं हम नबी को जिसका नबी बनाते हैं उसकी बोली का भी इल्म अता फरमाते हैं। जब नबी पाक जानवरों के लिए भी नबी हैं, तो मानना पड़ेगा जानवरों की बोली भी हमारे मुस्तफा जानते हैं। समझ आ गई बात के नहीं? एक दफा मुल्तान में इमामत कर रहा था, तो एक मेरे पास आदमी आया, उसने मुझे कहा कि तुम जो पढ़ते हो ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों शमाए बज़्मे हिदायत पे जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। उसने कहा बताओ ये कौन सी बोली में पढ़ते हो? मैंने कहा उर्दू में। कहने लगा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बोली कौन सी थी? मैंने कहा सरकार अरबी बोला करते थे। कहने लगे तुम्हारे सलाम का फायदा? नबी करीम अलैहिस्सलाम को तो पता ही नहीं चलता कि ये आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि तुम उर्दू में कहते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सरकार है अरबी, तुम पढ़ते उर्दू में, पढ़ने का फायदा नहीं क्योंकि समझ है नहीं आती। और मैंने कहा तू होगा जिसे अपनी बोली के अलावा दूसरी की समझ ना आए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुल कायनात का नबी बनाया, तो कुल कायनात की बोलियां भी अल्लाह ने हमारे नबी को सिखा दी है। कुल कायनात की बोलियां अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को, बोलो सही यार, सिखा दी है। तवज्जो है, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। और भी हमारे आका की शान सुन लें। हमारे आका अलैहिस्सलाम की ये भी शान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक अल्लाह ताला ने बजाते खुद बुलंद फरमाया। किसने बुलंद किया? कोई एमएनए होता है बेचारा, बड़ी मेहनत करके, सारी जिंदगी खर्चे करके, पैसे लगा के, जायदादें लगा के, इससे झूठ बोला, उससे झूठ बोला, उधर वादा खिलाफी की, उधर झूठ बोला, इसका हक मारा, इसको मारा, उसको धोखा दिया, उसके साथ फ्रॉड किया, पता नहीं किसको लूट के, किसके साथ धोखा करके, किसको लूट मार करके, लोग मेहनत कर करके कर करके ओ कई बूढ़े होकर क्या बनते हैं? एमएनए। तो चार बंदों में उसका फिर जाके जिक्र होता है, वो भी कोई अच्छा जिक्र करता है कोई, बोलो सही है ना? कोई कहता है भाई बड़ा अच्छा लीडर है, कोई कहता है थोक है, बहुत गंदा आदमी, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आका सलातो वसलाम की तो ये शान है, सरकार अभी पैदा भी नहीं हुए, सरकार के चर्चे पहले हो रहे थे। हैं, मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने से पहले मेरा तस्वर नहीं था, मेरा नाम नहीं था, मैं क्या बनूंगा किसी को कुछ नहीं पता था, स्कूल पढ़ूंगा, मदरसे पढ़ूंगा, जज बनूंगा, मौलवी बनूंगा, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन कुर्बान जाए आका की शान पर, अभी आए नहीं, सबको पहले पता है आने वाला मुस्तफा अल्लाह का महबूब होगा, कुल नबियों का इमाम होगा, कुल कायनात का नबी होगा, खत्मे नबूत का ताजदार होगा, अल्लाह का आखिरी नबी होगा, और उनकी किताब का नाम कुरान होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा, मक्का में पैदा होंगे, मदीना में हिजरत करके तशरीफ लेके जाएंगे। अभी सरकार पैदा नहीं हुए, ये सारी शाने मेरे आका की शोहरत जिक्र और चर्चा पहले था है? फिर क्यों ना कहें सबसे आला आला हमा। पढ़ लो यार, पढ़ लो यार, तो वास्ता यार, सबसे आला आला
अला हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा। एक बात याद रखें, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम अल्लाह की कुल मखलूक में सबसे ऊंचे हैं। हमारे नबी से ऊंचा कोई नहीं। खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल हैं, खुदा के अबद हैं, खुदा के नबी हैं, लेकिन अल्लाह की जो बनाई हुई मखलूक है उस अल्लाह की खल्क में मखलूक में सबसे ऊंचे कौन है? बोलो से कौन है? तो फिर पढ़ लो ना, जब अकीदा यही है, ईमान यही है कि हमारे नबी की मिसल नबियों में भी नहीं पाई जाती, किसी उम्मत के अंदर हमारे नबी के जोड़ का कोई नहीं पाया जाता। फिर पढ़ लो ना, सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचा से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी ऊंचे हैं कि नहीं? शान उनकी ऊंची है कि नहीं? हज़रत आदम बोलते जाओ, हज़रत आदम भी, हज़रत मूसा भी, हज़रत नूह भी, हज़रत ईसा भी, हज़रत इब्राहिम भी, अल्लाह के जितने नबी हैं सारे ऊंचे, पर सारे नबियों में सबसे ज़्यादा दर्जा मर्तबा किसका है? हमारे नबी का ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो फिर पढ़ लेना यार, क्यों नहीं पढ़ते यार, क्यों नहीं पढ़ते? अपने आका की शान नहीं बयान करोगे तो यारो किसकी शान बयान करोगे? अपने नबी के गुण नहीं गाओगे तो किसके गुण गाओगे यार? सियासी महफिलों में लोग अपने पांव उठाकर ऊपर बोलते हैं, मैं खड़ा हूं, देख लो चौधरी साहब, तो सरकार की बारगाह में क्यों नहीं बोलते ना, ताकि सरकार खुश हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए। सबसे आला आला नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका। तवज्जो है, हमारे नबी का जिक्र किसने बुलंद किया? बोलो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वरफअना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। किसने बुलंद किया? हमारे नबी का जिक्र ऊंचा किसने किया? ये देखो ना, कुरान में जहां अल्लाह ने अपना जिक्र रखा है वहां नबी पाक का जिक्र रखा है कि नहीं? बोलो सही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, इकट्ठा है कि नहीं? अजान के अंदर अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आगे अशहदु अल्ला इलाहा, फिर आगे अशहदु अन्ना। तो अजान में भी जहां अल्लाह का जिक्र वहां साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है। नमाज के अंदर
अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये किसका जिक्र हो रहा है? अल्लाह का जिक्र हो रहा है ना। सजदे किए, दूसरी रकत में तहियात बैठ गए, फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह जितनी भी इबादतें हैं सारी तेरे लिए हैं। सारी इबादतें किसके लिए हैं? कौली हो, बदनी हो, फेली हो, कोई भी इबादत है किसके लिए? अल्लाह की इबादत करते करते फिर हमने आगे क्या पढ़ा? इससे आगे क्या है भाई? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो नमाज में भी अल्लाह का जिक्र और साथ है नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र, कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है और साथ है नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है। और पता है जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, वहां जाकर जहन्नमी एक बात कहेंगे, पता है क्या कहेंगे? या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूल। जी कह लो। जहन्नम में भी हो रहा है, जहन्नमी कहेंगे काश हमने अल्लाह को माना होता, काश हमने रसूल को माना होता, काश हमने अल्लाह का कहा माना होता, काश हमने रसूलुल्लाह का कहा माना होता। तो जहन्नमी जहन्नम में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, साथ रसूल का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर। जन्नती जन्नत में जाकर अल्लाह का भी जिक्र करेंगे, रसूल का भी जिक्र करेंगे, मजबूर होकर नहीं, अल्लाह की नेमतें खाकर मसरूर होकर। तो जहां देखो अल्लाह का भी जिक्र है, साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। क्यों? अल्लाह ने जो फरमाया, वरफअना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को क्या कर दिया है? बुलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया है। काफिरों ने बड़ा टेल लगाया, बड़ा जोर लगाया काफिरों ने कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। इनका ये जो दावत का सिलसिला है, जो तौहीद की दावत देते हैं, अपनी रिसालत की दावत देते हैं, हम ये सिलसिला बंद करा दें, इनका जिक्र खत्म हो जाए, कोई इनका उम्मती ना हो, कोई इनका कहना मानने वाला ना हो, कोई इनका कलमा पढ़ने वाला ना हो, कोई इनकी ताजीम करने वाला ना हो। काफिरों ने पूरा टेल लगा लिया, लेकिन अल्लाह ने कामयाब होने दिया? बोलो, काफिरों को अल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया। क्यों? अल्लाह ने वादा यो फरमा दिया, वरफअना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आला हजरत फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। सरकार का जिक्र सुनकर मुंह बनाने वाले, बुद्धि बनाने वाले, चुप हो जाने वाले, इनकार करने वाले, बातें करने वाले, जिक्र को रोकने वाले, जिक्र को टोकने वाले, फरमाया जितने भी हैं सारे बेईमान, सरकार के जिक्र से जलने वाले खुद जल जल कर खाक हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हमेशा जारी और सारी रहेगा। क्यों? हमारे नबी का जिक्र करने वाला है सिर्फ हमें नहीं, अल्लाह खुद अपने नबी का जिक्र फरमाता है। कुरान नहीं पढ़ा? इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस गैब की खबरें देने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। तो जब अल्लाह खुद नबी पाक का जिक्र कर रहा है, और जिक्र मुस्तफा को रोकने टोकने वाले बेईमानों काफिरों मुझे बताओ तुम किस किस को मारोगे, किस किस को रोकोगे? जब अल्लाह खुद नबी पाक का जिक्र कर रहा है तो जिक्र बंद करके दिखाओ।
तुम किस तरह से मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम की शानों को बंद रोक सकते हो, कैसे नबी करीम अलैहि सलाम का जिक्र रोक सकते हो जब अल्लाह ताला खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह ने नबी करीम अलैहि सलाम के जिक्र को क्या कर दिया है, बुलंद कर दिया है, बुलंद कर दिया है। अब एक बात है, ये है गिलास, ठीक है, इसको ऊपर ऐसे बुलंद करना है। मैं इसको कितना बुलंद कर लूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, मैं ऊपर अगर फेंकू तो मस्जिद की छत तक जा सकता है, ऐसे ही ना, और ज्यादा जोर लगाऊं क्योंकि मैं खिलाड़ी थोड़ा हूं, ज्यादा से ज्यादा टेल लगा भी लो तो मस्जिद की मीनार तक ऊंचा कर सकता हूं, इससे ऊंचा मैं, हां आप में से अगर कोई ताकतवर जवान खड़ा हो जाए तो मुझसे ज्यादा ऊंचा कर लेगा, ऐसे ही ना, उससे अगर और ऊंचा ले जाना है इसको तो फिर उससे तगड़ा कोई आदमी आए, अगर और ऊंचा ले जाना है तो फिर इसको किसी चीज के साथ बांध दो, ऐसे ही ना, मिसाइल के साथ बांध दो, जहां तक मिसाइल ऊंचा जाएगा ये गिलास भी ऊंचा, लेकिन मिसाइल की ताकत की हद है कि नहीं, मिसाइल ने ऊंचा करना है गिलास को, उसकी ताकत की हद है, मैं ऊंचा करूं इसको मेरी ताकत की हद है। और आप बिल्डिंग ऊंची करना शुरू कर दो, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, 200 मंजिल, 300 मंजिल, 500 मंजिल, और कहीं जाकर तो एंड हो जाएगी ना, और कहीं जाकर तो आपके मिस्त्री और कारीगर जवाब देंगे ना। लेकिन बताओ नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र को किसी मशीन ने बुलंद किया, बोलो किसी इंसान ने बुलंद किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र को उस जात ने बुलंद किया है जिसकी ना ताकत की इंतहा है, ना पावर की इंतहा है, ना उसकी कुदरत की इंतहा है, ना उसकी बादशाही की इंतहा है। अल्लाह ने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपनी पावर, अपनी ताकत से बुलंद किया है। अब अल्लाह जाने कितना बुलंद किया है या मुस्तफा जाने कितना बुलंद किया है, हम अंदाजा लगा सकते, हमें तो इतना पता है बुलंद करने वाला जितना ताकतवर होगा चीज उतनी बुलंद होगी। अब सरकार के जिक्र को बुलंद करने वाली जो जात है उसकी ताकत का अंदाजा, बोलो सही, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान की बुलंदी का भी कोई अंदाजा, बोलो सही, नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी ऊंची शान अता फरमाई है ना जी। आगे चले जी, या बस करें चलें जी, फिर तुसी भी चलो ना, कोश सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला थोड़ा पानी डालो। सरकार को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, लेकिन हमें नबी पाक की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह सबको अल्लाह की जरूरत होती है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, सबको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह इतनी बुलंद जात होकर नबी पाक से प्यार करता है, हैं, तो हम निकम्मे जिन्हें नबी पाक की ज़रूरत भी है, जिन्हें नबी पाक की शफात भी चाहिए, जिन्हें नबी पाक का सहारा भी चाहिए, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो भी चाहिए, सरकार की रहमत भी चाहिए, तो हमें तो सरकार को राज़ी करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, बोलो सही यार। अल्लाह जब रब होकर नबी पाक से इतना प्यार करे तो हम तो गंदे मंदे हैं, हम तो गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, खताकार हैं, बदअमल हैं हम, हमें तो ज्यादा चाहिए ना कि हम नबी पाक को राजी करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए। तो पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे राजी होते हैं, बोलो। आप भी औलाद वाले हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे ऐसा काम करें जिससे आपकी आंखें ठंडी हों, सुकून पहुंचे, आप खुश होंगे कि नहीं, बोलो सही। आपके बच्चे वो काम करें जिससे आपके दिल को खुशी मिले, आंखों को ठंडक मिले, आप अपने बच्चों से खुश होंगे या नहीं, होंगे। बोलो यार खुश होंगे ना। अगर आपके बच्चे ऐसे काम करें जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, फिर आप खुश होंगे, नाराज होंगे ना, ये फितरत है इंसान की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी खुश करना है ना, तो फिर वो काम किए जाए जिससे सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचे, सरकार के दिल को सुकून पहुंचे, ऐसे काम ना किए जाएं जिससे नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे। सरकार की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचती है जी, बताओ,
हाँ जी नमाज पढ़ने से हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचती है? नमाज पढ़ने से। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कुर्रतु आईनी फिस्सला, फरमाया सुन लो नमाज मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। आया है हमारे आका की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। तो जो नमाज नहीं पढ़ते, खुदा का वास्ता देता हूँ, जब अल्लाह अल्लाह होकर नबी पाक से प्यार करता है तो आप भी तो नबी पाक से प्यार करो ना यार। नबी पाक से प्यार करने का तरीका यह है कि सरकार की आंखों को रोज़ाना 5 टाइम ठंडक पहुंचाओ। जो बंदा रोज़ाना 5 टाइम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा, आका खुश नहीं होंगे उससे? बोलो सही यार, खुश होंगे ना? तो कोशिश करेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़ें, ठीक है ना। और फिर जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके पर अगर मेरे बच्चे चलें मेरा दिल खुश होगा ना। तो ऐसी सरकार को खुश करना है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का बताया हुआ तरीका अपना लो, सरकार की सुन्नतों पर अमल करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके को अपना लो, नमाज पढ़ा करो। हाथ खड़ा करके वादा करते हैं आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे, पक्की बात करनी है, डंडी नहीं मारनी अल्लाह के घर में। अल्लाह की बारगाह के वफादार बन जाओ, नबी पाक के वफादार बन जाओ। अल्लाह और नबी पाक से वफा यही है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कि अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए तरीके पर चलना है, रोज़ाना नमाज पढ़नी है। जो कज़ा करते हैं वो कज़ा करनी छोड़ दें, कज़ा करके ना पढ़ा करें। जो बग़ैर जमात के पढ़ते हैं जमात से पढ़नी छोड़ दें, कारी साहब से नहीं बनती इसलिए जमात छोड़ी हुई है, तो आ जाएं कारी साहब को राज़ी कर ले। मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं, वैसे कह रहा हूँ, लेकिन होता है मखलूक में। इमाम साहब से दुश्मनी रखिए, मुखालफत खाम खा की, इमाम साहब तो घा चोरी किया नहीं, पट्ठे वड्डे नहीं, तुड़ी चोरी की नहीं, बंदा मारिया नहीं, गाला कड़िया नहीं, कि बस मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तकरीर नहीं होती, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नमाज नहीं होती। मैं इमामत करता हूँ कि कहते ये लम्बी पढ़ाओ, अच्छा ये लम्बी शुरू करती, छोटी पढ़ाओ, छोटी शुरू करती, लम्बी पढ़ाओ, लम्बी वाला आ गया, हूँ लम्बी शुरू कर, छोटी पढ़ाओ। खसमत तुहानू किनों किनों राजी करिए यार, सानू आपकी मर्जी से छड़ दियो ना, ताकि असी इंज पढ़ाईए जिमें सानू अल्लाह ने आख्या, जिमें सानू नबी पाक ने आख्या। हाँ कई बंदे एवें खाम खा एवें मासियां बन के रुस जाते हैं, नहीं जी कारी साहब नमाज लम्बी पढ़ा दें, मेरा इन्हें पिछले दिल मुतमइन लाया गल कर नमाज वड्डी पढ़ा के उन्हें तेन गाला कड़िया। बल्कि तू अपने दिल से गौर कर, अगर नमाज थोड़ी लम्मी होंगी है तो सारा टाइम दुनिया को देने वास्ते तैयार हैं, 2 मिनट अगर नमाज से ज़्यादा लगे तो तेरे दिल में पीड़ क्यों पई, किधरे तेरा दिल नमाज तो चोरी तो नहीं करता, नमाज का चोर तो नहीं तेरे अंदर? अपनी आदतों पर अपने रवैये पर अपनी सोच पर अपने अपनी कैफियत गौर करना चाहिए, ना कि तुम इमाम साहब के पिछे नमाज पढ़नी छड़ दो, भाई लम्मी क्यों पढ़ा देती, छोटी क्यों पढ़ा देती, इंज क्यों पढ़ा दे, खुदा का नाम, ठीक है ना। पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मुनाफिकों की एक निशानी बताई है, बात मुनाफिकों की ये ना समझना कि लो जी कारी साहब आए और पूरे मोहल्ले को मुनाफिक बना दिया, ना, समझाने के लिए सबक लेने हमने, बात अल्लाह ने उनके बारे में की है लेकिन हमने उससे सबक पकड़ना है ताकि उन वाली निशानी हमारे अंदर है ना आ जाए। अल्लाह फरमाता है ये जो मुनाफिक है ना, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, फरमाया ये अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह का जिक्र करना पड़ भी जाए ना बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं, क्या करते हैं? अब ये देखो ना, कई बंदे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, हाँ अगर पढ़नी पड़ जाए कहीं फंस फुस जाए तो सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे और जान छुड़ा के भागने की करेंगे। जुम्मे वाले दिन देखें इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ तक नहीं, हालांकि एक बंदा सारा दिन मजदूरी करे और उसको ठेकेदार आकर कहिए आओ जी मैं आप मजदूरी ले लो, वो अपनी जूती उठाए अपना बेलचा कहीं उठाए घर चला जाए, उसको कोई अक्लमंद कहेगा? भाई सारा दिन मजदूरी की, जब मजदूरी मिलने का टाइम आया तू भाग गया, तो मगज़ तो छोड़ा है ना। तो ये जो सजदे किए 2 रकत पढ़ी इबादत की, इसका मगज़ क्या था? दुआ।
और तूने मजदूरी मिलने का टाइम आया, जूती उठाई भाग गया। ऐसा ना कर मेरे भाई, जैसा करते हैं ना करे। जब आ गए हैं तो जमात से नमाज पढ़कर इकट्ठे दुआ मांगो। पता है इत्तेफाक में बरकत है। जब इज्तिमा की सूरत में मुसलमान दुआ मांगते हैं तो अल्लाह दुआ जल्दी कबूल फरमाता है तन्हा दुआ मांगने के मुकाबला में। ठीक हो गया ना? और इमाम साहब को आप छोड़ दिया करो, उनकी मर्जी पर यार। उनका दिल करे सूरह यासीन पढ़े आप पढ़ने दें, सूरह बकरा पढ़ते हैं पढ़ने दें, अगर सूरह कौसर पढ़ते हैं तो भी झगड़ा ना करें भाई, पढ़ने दें यार। क्यों? वो आपका नाइब नहीं है, वो नबी पाक के दीन का नाइब है। ठीक है ना? जो आपका नाइब है ना उस पर आप अपनी मर्जी चलाओ, जो नबी पाक के दीन का नाइब है ना उसको नबी पाक के दीन के मुताबिक चलने दो। तो जो है ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचानी है कैसे? बोलो, नमाज पढ़ के। ठीक है? और दुरूद व सलाम पढ़ा करो। नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की आदत बना लो रोज़ाना। कम अज़ कम एक तस्बीह तो पढ़ो ना आका की बारगाह में। आप वो बटनों वाली तस्बीह ले लेना, आप चलते फिरते 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप 100 पढ़ लेंगे, हकीकत कह रहा हूँ। और आपकी आदत बन जाएगी, आप चलते फिरते तस्बीह अगर हाथ में होगी ना तो आपकी आदत खुद ब खुद बनेगी। तस्बीह अगर नहीं तो आदत नहीं बनेगी। तस्बीह हाथ में रखें, बटनों वाली ले लें या फिर दूसरी जो भी मुमकिन हो तस्बीह ले लें, अपनी उंगली में हाथ में रखें, आप ऑटोमेटिक दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। एक बादशाह था, उसके महल के पास एक फ़कीर गुजरा। फ़कीर ने कहा मैंने बादशाह के पास जाना है। दरबारियों ने कहा ना ना हम नहीं जाने देते। उसने कहा तुम्हारी मेहरबानी, एक बार जाने दो बादशाह को, और नहीं जाने देते। मिन्नत तरले किए बड़े, उन्होंने बादशाह से मिलने नहीं दिया। दूसरा दिन आ गया, फिर उसने कहा जी मैंने बादशाह से मिलने। उनका नहीं मिलते। उनका मिलना है, नहीं मिलने देना। बड़ा उसने जोर लगाया, आखिर दरबारियों ने बादशाह से कहा कि एक फकीर है बाबा, रोजाना जिद करता है कि बादशाह से मिलना है, सिर्फ देखूंगा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ देखूंगा और चला जाऊंगा। बादशाह ने कहा चलो इतनी जिद कर रहे तो आने दो। अब वो फकीर बाबा बादशाह के सामने पेश हुआ, कहता है बादशाह सलामत, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। उसने कहा ठीक है इजाजत मैं जाता हूँ। उसने कहा जाओ। बाबा चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया बाबा, उसने कहा जी मुझे बादशाह से मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा कल मैंने कुछ मांगा था? नहीं, सिर्फ सलाम ही किया था ना, तो मुझे सलाम करने दो। बादशाह से इजाज़त मांगी गई, बादशाह ने कहा चलवाने दो। फिर गया बादशाह सलामत, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। सलाम किया, वापस चला गया। तो ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको एक डर होता है, गरीब डेरे पे आएगा ना तो मदद मांगेगा, बीमार होगा तो पैसे मांगेगा, इसलिए ये झूठ बहुत बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं हूँ, ऐसे वैसे चलता है इनमें। तो खैर बादशाह को अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ मांगने नहीं आता, तो उसने कहा ये जब भी आए इसको आने दिया करो। अब वो फ़कीर बाबा रोज़ाना गुजरता है, अंदर जाता है, बादशाह सलामत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चला गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 50 दिन, 100 दिन, काफ़ी अरसा गुजर गया। रोज़ाना यही काम करता है कि बादशाह सलामत, अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम का जवाब देता है, बाबा चला जाता है। अब जब कई साल गुजर गए तो वो फकीर बाबा बीमार हो गया। क्या हो गया? जब बीमार हो गया तो बादशाह के दरबार में वो सलाम करने ना आया। तो अब बादशाह ने पूछा यार वो फकीर बाबा नहीं आया, पता करो उसका क्यों नहीं आया। तो किसी ने बताया कि बादशाह सलामत वो बीमार है। बादशाह ने कहा चलो फिर हम उसको पूछने जाते हैं। अब ये देखे ना, बादशाह बड़े बड़े वजीरों की दावत कबूल नहीं करते, खातर में नहीं लाते, कहते हैं टाइम नहीं, मसरूफियत है, सिक्योरिटी का मसला है, ये है वो है। लेकिन जब फकीर बाबा बीमार हुआ, बादशाह ने ना देखा कि मेरे प्रोटोकॉल का एहतमाम होगा या नहीं होगा, मैं बादशाह हूं फकीर के घर क्यों जाऊं। उसने कहा चलो तैयारी करो, हम फकीर बाबे को पूछने जाएंगे। लो जी बादशाह चला गया, जाकर उस फकीर की झोपड़ी में गया, उसने जाकर उसका हाल चाल पूछा और वापस आ गया। ये देखो यार, एक दुनियादार बादशाह जो पता नहीं किसको लूट कर, किसको धोखा देकर, लुट घुसुट करके, पता नहीं किस किस को मार कर वो बादशाह बना, फिर भी वो इतनी गैरत रखता है कि जो बाबा मुझे सलाम करे रोजाना,
अगर बीमार हो जाए तो मैंने उसको पूछना है, उसको पूछने से मेरी बादशाहत में कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। जब एक बादशाह रोजाना सलाम करने वाले बाबे को पूछने का दर्द रखता है, तो जब आप आमिना के लाल की बारगाह में रोजाना सलाम पढ़ के हाजिरी लगवाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ। आपके वालिद साहब? पीर बख्श। अब फरिश्ते रोजाना जो बंदा दुरूद पढ़ते हैं यूँ कहते हैं, आका ये जिसका नाम है मोहम्मद अल्ताफ, जिसके वालिद का नाम है पीर बख्श, आका इसने आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा है, आका आप कबूल फरमा लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, जो सलाम पढ़ता है ना मैं उसके जवाब में फिर सलामती की दुआ फरमाता हूँ। लीजिए सब पढ़े ना दुरूद व सलाम, अस्सलातु व सलामु अलैका। अब ये हम जितने बैठे हैं, अब वो फरिश्ते ने मेरा भी नाम लिया है, मेरे बाप का भी नाम लिया है, आपका भी नाम लिया है, आपके बाप का भी नाम लेकर सरकार की बारगाह में पेश किया है। अब जब रोज़ाना हमारा नाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाएगा, अगर एक दिन छुट्टी हो गई तो पता चलेगा आज वो फलाने गुलाम का दुरूद नहीं आया, आका वो फौत हो गया है, तो हो सकता है सरकार फरमाए, तो बादशाह इतना लजपाल हो सकता है, तो मेरे आका जैसा तो लजपाल अल्लाह ने कोई बनाया नहीं ना। जब बादशाह दुनियादार होकर पूछने जा सकता है तो हो सकता है सरकार को पता चले कि मेरा गुलाम फौत हो गया, तो सरकार भी फरमाए रोजाना सलाम करता था, आज उसके ऊपर मुश्किल टाइम आ गया, चलो हम कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। हो सकता है सरकार कर्म करने के लिए तुम्हारी कब्र के अंदर आ जाए और तुम्हारी बिगड़ी बन जाए, इसलिए कंजूसी ना कर, रोजाना आका इस्लाम की बारगाह में बड़ी मोहब्बत और अकीदत से दुरूद व सलाम पढ़ने का मामूल बना ले। कोशिश करेंगे ना जी, कोशिश करें रोजाना सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत बना लें। और ये दुरूद भी पढ़ना है, सलाम भी पढ़ना है, ये याद रखना है, दुरूद भी और सलाम, बोलो सलाम। अल्लाह ने सिर्फ दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया या सलाम का भी? बोलो, मैं आयत सुनाता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमो और सलाम पढ़ो, तस्लीमा और खूब टिल लगाकर सलाम पढ़ो। दुरूद का हुक्म दिया, सलाम का हुक्म दिया, दुरूद की ताकीद नहीं फरमाई, सलाम की ताकीद भी फरमा दी, फरमाया दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। सलाम कैसे पढ़ो? खूब सलाम पढ़ो। तो इसलिए जब दुरूद पढ़े ना तो दुरूद के साथ सलाम भी, बोलो सही, सलाम भी पढ़े। कुछ दोस्त कहते हैं कि हम सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। आपको बता दूं दुरूद इब्राहिमी में सिर्फ दुरूद है, सलाम नहीं है। क्या है? सिर्फ दुरूद है, सलाम नहीं है। जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो दुरूद वाले हुक्म पर तो अमल हो गया, सलाम वाला जो अल्लाह का आर्डर है ना उस पर अमल नहीं हुआ, तो फिर नमाज के अंदर क्यों दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं? इसलिए कि सलाम हम पहले पढ़ चुके हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु, पहले सलाम पढ़ चुके, अब हम दुरूद पढ़ रहे हैं, तो नमाज के अंदर तो ठीक है क्योंकि दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया। नमाज के अलावा अगर पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी तो याद रखें सिर्फ दुरूद वाले आर्डर पर अमल हुआ है, सलाम वाले पर अमल नहीं हुआ। लिहाजा अगर कोई बंदा नमाज के अलावा दुरूद पढ़ना चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़े, बेशक पढ़े, लेकिन सलाम भी पढ़ ले। फिर नमाज वाला अगर दुरूद पढ़ लिया है तो नमाज वाला सलाम भी पढ़ लो, वो कौन सा है? अस्सलाम अलैका, पढ़ दो मोहब्बत से, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, भाई पढ़ लो यार, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो। तो ये नमाज वाला दुरूद भी पढ़े, नमाज वाला सलाम भी पढ़े। अगर आप दोनों चीजें अलग अलग नहीं पढ़ सकते तो फिर आप
अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ दें, इसमें दुरूद भी है सलाम भी है और बिल्कुल मुख्तसर है। ये भी नहीं पढ़ सकते तो आप यूं पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस छोटा सा दुरूद है, इसमें दुरूद भी आ गया सलाम भी आ गया। ओके, याद रखें बार बार कह रहा हूं, दुरूद इब्राहिमी अगर पढ़ेंगे सवाब मिलेगा बेशक, लेकिन कुरान की पूरी आयत पर अमल तब होगा जब दुरूद के साथ आप सलाम भी पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने दो चीजों का आर्डर दिया है, मेरे महबूब पर दुरूद भी पढ़ो और खूब सलाम भी पढ़ो। अल्लाह हमें दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाँ जी, तकरीर ख़त्म, गुफ्तगू ख़त्म। अब किसी दोस्त ने कोई बात पूछनी हो तो बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैंने नमाज भी पढ़ानी है जाकर ना। चलो भाई आज फिर सलाम पढ़ लो सरकार की बारगाह में खड़े होकर, इस नजरिए से पढ़ो, हम यहां से पढ़ेंगे, फरिश्ते सरकार की बारगाह में पेश कर